अरे सक्सेना साहब, कमाल कर दिया आपने रोहित ने। यस यू टाइकन ऑफ द ईयर, नाम रोशन कर दिया उसने हमारे पूरे शहर का। आपने तो मिसाल कायम की है, वरना सबको अपने बच्चे इंजीनियर या फिर डॉक्टर चाहिए। आपने रोहित को खूब समझा, मिडिल क्लास का होते हुए भी भरपूर सपोर्ट, वो भी एक अनट्रेडिशनल प्रोफेशन के लिए, मान गए भाई साहब। कहाँ जा रहे हो रोहित? पापा वो फैशन शो का ऑडिशन था, उसके लिए जा रहा था। तो मॉडलिंग की कैरियर बनाने जा रहे हो? अरे तो मुझे पता भी है इसके बारे में, सब फिर गया तुम्हारा। पढ़ाई पे ध्यान दो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मॉडलिंग मॉडलिंग ऊंचे लोगों के शौक है बेटा, हम जैसे मिडिल क्लास तो भी बस की बात नहीं है। पर पापा लोग, चुप रहो, तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, तुम्हारी उम्र ही क्या हुई। आजकल की जनरेशन यही दिक्कत, चंद तारीफें क्या सुनगी, सपनों में उड़ने लगते हैं। कब जिंदगी को लेकर चिंता बनोगे तुम रोहित, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। पापा, जानता हूँ आप नाराज़ हैं मुझसे, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैंने मॉडलिंग को करियर बनाया है, पर मेरा विश्वास कीजिए पापा, एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा मैं। यहाँ सभी मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे पापा ने मेरे डिसीजन पर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आपने भले ही मुझे डांटा हो पर दिल से हमेशा मुझे चाहा है, हमेशा मुझे प्यार किया है, पर कभी मुझसे कह नहीं पाए। शायद ये पीढ़ियों का अंतर, ये जनरेशन गया, पर यू आर द बेस्ट फादर। चेक भेज रहा हूँ, छुटकी का एडमिशन किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में करवाइएगा। आपका इडियट रोहित। क्यों हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, क्यों उनकी तरह सोच नहीं पाते? किसकी गलती? हमारी पुरानी सोच की जो अपनों के बीच फासले पैदा कर देती है, या फिर शायद हमारी ही गलती है जो हम इन बच्चों को जान नहीं पाते, समझते हैं ये बच्चे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते।